स वी आर लाइक नाउ फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाओ सभी लोग सो हेलो एवरीवान वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल गुड आफ्टरनून माई डियर फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी आ जाओ सभी लोग फटाफट चलो तो बच्चा लोग अभी हम बात करने वाले हैं आज इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में रिलेशन जैसा कि हमने देखा था इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में रिलेशन उसी तरीके से इंजीनियरिंग स्ट्रेन ट्रू स्ट्रेन को भी समझना बहुत जरूरी है ठीक ना उसी के ऊपर आज मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं गेट ई की फ्री टेस्ट सीरीज मार्च मंथ में आगाज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज एंड गेट और एंड टेस्ट सीरीज यू कैन सी दिस ठीक है ना ये सारे डेट इसके लिखे हैं यू कैन सी दिस एंड एस एस के लिए आप देख सकते हैं परीक्षा एंड अल्टीमेट टेन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ठीक है ना आलोक लाइव कोड लगाकर सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूंगा इंजीनियरिंग एंड वेरी वॉम वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूम फोर टाइम्स गेट टॉप रेम एम टेक फ्रॉम आई एंड नाइन ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टेकन बाई मीज द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग आलोक लाइव मेरा कोड है जिससे आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलता है चलिए आलोक लाइव कोड लगाकर आप मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं और फ्री स्पेशल क्लास में चल रहा है लाइव टेस्ट तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट यस तो सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए फटाफटन को सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी सभी को सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है लेकिन होता बहुत जबरदस्त है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में जो टॉपिक है दैट इज आप देखते हैं कल मैंने आपको दिखाया इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस तो आज हम बात करने वाले इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के ऊपर ठीक है तो गाइज कल मैंने ये ग्राफ खींचा था शायद आप लोगों ने देखा होगा इसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहां जो होता है एल्ड पॉइंट एल्ड पॉइंट से ऊपर चला जाता है क्या बेटा ट्रू स्ट्रेस तो यहां मैंने आपको बताया था दिस इज ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन ठीक है ना ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन और ये क्या होता है ये होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ठीक है ट्रू स्ट्रेस कर्व कर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने कल ये देखा था तो आज जो हमें बातें करनी है इसके आगे बात करनी है डियर तो गाई कल मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई दी दे। और देख लीजिए अभी आपके सामने वो ग्राफ है जो कल मैंने दिखाया यू कैन सी दिस द रेड ग्राफ इज वॉट इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रेन एंड ब्लू या ब्लैक ग्राफ यू कैन सी दिस दिस इज द ट्रू स्ट्रेस ट्रेन नाउ अब जो है कल हमने बातें की थी ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में तो कल मैंने आपको बताया था यू कैन सी दिस कल मैंने आपको बताया था ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन भी बताया था और उसके साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था और उसके बाद बताया था इंजीनियर ने क्यों इंजीनियरिंग स्ट्रेस बनाया व्हाट इज द रीजन एंड हाउ टू सेव डिजाइन ठीक है ना मशीन कंपोनेंट के ऊपर कैसे हम सेव करते हैं डिजाइन को गाइस फटाफट सेशन को तो शेयर कर दो ठीक है चलो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो कल मैंने दिखाया था ट्रू स्ट्रेस जो है बेटा दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस आपको याद आ रहा है और यही मैंने आपको बताया था कि ट्रू स्ट्रेस क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस से बड़ा होता है और यही रीजन है मैंने आपको बताया भी था ठीक है ना यही रीजन है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस ज्यादा यूज करते हैं रीजन बिहाइंड दिस इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है छोटा होता है और डिजाइन में हम लोग यही चीज यूज कर लेते हैं ठीक है ना अगर कम यूज करेंगे तो हमारा डिजाइन क्या होगा सेफ होगा यू कैन सी दिस तो ये काम करते हैं हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा ये चीजें देन मेरे बच्चे लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ये काम हो गया आज जो हमें रिलेशन देखना है आज का जो हमारा रिलेशन दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन ठीक है ना इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन का क्या रिलेशन है ठीक है ना कल तो हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेस देख लिया ठीक है ना आज जो बारी है दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेंड ट्रेंड तो यहां क्या करने वाले फिर से मैं वही ब्लॉक लूंगा जैसा मैंने कल लिया था यू कैन सी दिस फिर से मैं वैसा ही ब्लॉक लूंगा डियर आवाज आ रही है ना वॉइस इज क्लियर या फिर से मैं वही एक ब्लॉक लूंगा डियर और मैं इस पर क्या लूंगा पी फोर्स लगा के इसको खींचूंगा जब मैं इस ब्लॉक पे पी फोर्स लगा के इसको खींचता हूं तो यू कैन सी दिस यहां देखना ध्यान से दिस इज द पोजिशन नंबर वन दिस इज द पोजिशन नंबर टू एंड दिस इज द पोजिशन नंबर थ्री ये क्या है समझ नहीं आया सर दिस इज द ओरिजिनल एरिया ठीक ना ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल बॉडी अब देखो पी फोर्स लगा खींचा सेकेंड पॉइंट लंबाई बढ़ गई बोलो या हाँ ना लेंथ इज लेक्रीज यस सर थर्ड पॉइंट लेंथ और इंक्रीज हो गया यस और नो यू कैन सी दिस सेकेंड पॉइंट में लेंथ बढ़ गया थर्ड पॉइंट में और लेंथ बढ़ गया तो यू कैन सी दिस थ्री केस मैंने लोड लगाया खींचा और खींचा ये हो रहा है यहां ठीक है ना तीन कैसेस ऐसा क्यों लिया मैंने ताकि मैं आपको दिखा सकूं इंस्टेंटेनियस वर्ड्स इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं अगर मैं सेकंड को कहूं तुम एट एन इंस्टेंट बताओ तो वो कहेगा कि एट एन इंस्टेंट मेरा चेंज इन लाइन डेल्टा एल है थर्ड को कहूं एट एन इंस्टेंट बताओ तो ओरिजिनल से कितना है डेल्टा एल प्लस एल इंस्टेंटेनियस गाइस यू कैन सी दिस सो so, लगातार क्या हो रही है लंबाई बढ़ती जा रही है अगर मैं लोड लगा रहा हूं टेंसाइल का तो हो क्या रहा है सर यहां दो चीजें हो रही हैं क्या क्या एक इंजीनियरिंग स्ट्रेन एक ट्रू स्ट्रेन अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से कल मैंने जो आपको पढ़ाया यू कैन सी दिस और मैंने आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस में बताया कि बॉडी वैसे के वैसे ही रखी रहेगी उसका ओरिजिनल एरिया हम लोग कंसीडर कर लेंगे उस पर लगने वाला फोर्स कंसिडर कर लेंगे और निकाल लेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल एरिया इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ओके अच्छा ट्रू में क्या था ट्रू चेंज हो रहा था कल मैंने आपको बताया था कि ट्रू स्ट्रेस इज वेरिएट्रेस क्या है वेरिएबल है ट्रू स्ट्रेस क्या डर वेरिएबल है ओके सर देखिएगा ध्यान से आज मैं कुछ बातें और करना चाहता हूं स्ट्रेन के ऊपर ध्यान सुनिएगा ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के ऊपर तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाई सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं दट इज इज ट्रू स्ट्रेन सबसे पहले मैं आपको ट्रू स्ट्रेन के बारे में थोड़ी चीजें बताना चाहता हूं ना ट्रू स्ट्रेन के बारे में थोड़ी चीजें बताना चाहता हूं यू कैन सी दिस ट्रू स्ट्रेन क्या होता है सर ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट ए टी अगर मैं कहूं क्या हो रहा है सर स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन यस सर चेंज इन यस सर बट ट्रू स्ट्रेन में क्या हो रहा है तुमने पकड़ के खींचा फिर खींचा फिर खींचा तो भाई क्या हो रहा है वेरिएबल है कि नहीं तो यहां जो है स्ट्रेन स्ट्रेन क्या हो रहा है यहां यहां ओरिजिनल लेंथ से फाइनल लेंथ तक स्ट्रेन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, है कि नहीं यहां जो स्ट्रेन है बच्चा लोग यहां स्ट्रेन क्या औरत है दे, दे दनादन चेंज हो रहा है मेरे बच्चे ठीक ना लेंथ के रेस्पेक्ट में स्ट्रेन क्या हो रहा है यहां चेंज हो रहा है यू कैन सी दिस तो गाइस अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा वन बाई एल का इंटीग्रेशन क्या आता है एल एन वन का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा एल ठीक ना एल एन यू कैन सी दिस ठीक ना इसका वैल्यू कहां से कहां तक ओरिजिनल टू फाइनल अगर मैं इसको सही से देखूं मेरे बच्चे थोड़ा तो ध्यान से देखना अगर मैं इसको सही से देखूं तो यू कैन सी दिस कि एल के फॉर्म में ये हमारा आ गया तो गई यू कैन सी दिस तो एल सही से लिख लेते हैं फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अरे भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको तो पता है माइनस अगर अपन ऐसे करते हैं यू कैन सी दिस ठीक है ना सॉरी यहां थोड़ा सा हमको ऐसे करना पड़ेगा ठीक है इसके रेस्पेक्ट में लेना है तो एल एन एन एस एल एन एलओ हमें पता है ये लाइन हमने इससे पहले लिख लिया था तो गई लॉग का जो होता है माइनस का अगर रहेगा तो ये क्या रहेगा डियर ये हो जाता है फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हाँ फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ गाइस दिस इज व्हाट दिस इज द ट्रू स्ट्रेन तुम देखते जाओ बस ट्रू स्ट्रेन का क्या मैथमेटिकल रिलेशन आता है अभी सब क्लियर हो जाएगा ट्रू स्ट्रेन क्या है बेटा फाइनल लेंथ क्या होता है फाइनल लेंथ सर so, एल एन आगे लगा हुआ है ठीक है ओरिजिनल लेंथ में कुछ जोड़ देंगे तो आएगा क्या फाइनल लेंथ अपॉन एलो बेटा मैंने यहां फाइनल लेंथ जो लिया है ना यह जो फाइनल लेंथ मैंने कंसिडर किया है यह एट एन इंस्टेंट है ठीक है ना मतलब दूसरे भाषा में यह इंस्टेंटेनियस लेंथ है दूसरे भाषा में यह क्या बेटा इंस्टेंटेनियस लेंथ गेटिंग माई पॉइंट जल्दी से जल्दी बताओ इतनी बात समझ में आई किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने कोई लेंथ देख लिया मैंने दस सेंटीमीटर की बॉडी को बारह सेंटीमीटर कर दिया और मैंने कहा इस इंस्टेंट पे मैंने इसको फाइनल लेंथ माना ठीक है भाई इसको जरा तोड़ो एल एन एल बाई एलओ प्लस एल नॉट डेल्टा एल नॉट यू कैन सी दिस इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना गाइस यू कैन सी दिस टू स्ट्रेन इनटू एल एन प्लस चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ बोलो या ना इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई बोलो या ना नाउ माय डियर फ्रेंड ये बताओ चेंज इन लेंथ लेंथ टू द ओरिजिनल क्या होता है सर एक चीज समझिएगा एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी लेंथ होगा अगर उसके रेस्पेक्ट में आप देखते हैं तो होता है ट्रू स्ट्रेट लेकिन ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन अभी मैं इसको प्रूफ करके देता हूं फिर मैं आता हूं स्पीच अब हम बात करेंगे बेटा इंजीनियरिंग स्ट्रेन की थोड़ा सुनते रहना ध्यान से इंजीनियरिंग स्ट्रेन अगर हम बात करना चाहो इंजीनियरिंग स्ट्रेन की तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन में हम हमेशा क्या मानते हैं इंजीनियर ने अपनी सुविधा के लिए वी आर इंजीनियर हम अपने सुविधा के लिए हमेशा बॉडी को ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लेते हैं ना इंजीनियर ने अपनी सुविधा के लिए मान लिया ठीक है भैया तो क्या होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज वॉट सर इंजीनियरिंग स्ट्रेन कहता है सुनिएगा जैसे यू वहां अ चेंज इन लेंथ लेंथ टू द भाई वहां जो होता है ना ये चीज चेंज इन लेंथ लेंथ टू द ओरिजिनल होता है बात समझ में आया ये ओरिजिनल लेंथ है मेरे भाई और ये जो है ना सुनने की कोशिश कीजिएगा ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होता है फिक्स होता है ओरिजिनल लेंथ किसी बॉडी का होता है जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी 10 सेंटीमीटर लंबा है अब इस पे पी फोर्स लगाया तो भाई बॉडी का ओरिजिनल लेंथ हमेशा 10 ही सेंटीमीटर लेंगे ये नहीं कि 12 हो गया 14 हो गया अब ये कंसीडर करते हैं। नहीं 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 तो ये चेंज नहीं होता है। जितने का बॉडी होगा उतना ही लेंगे तो माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस कि अपन जो लिमिट लगाते हैं सुनिएगा जैसे कि हम ओरिजिनल टू फाइनल लिमिट लगाते हैं वो हम इस पे नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि ये चीज क्या है फिक्स है वो तो दस ही सेंटीमीटर होगा सो so जी यहां देखो वन बाई एल ओ इंटीग्रेशन ऑफ ओरिजिनल टू फाइनल डीएल ये होता हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन अगर यही चीज ट्रू स्ट्रेन होती तो ये लेंथ जो होता अंदर होता क्यों क्योंकि वहां का लेंथ वेरिएबल था वो दस का बारह बारह का चौदह चौदह का सोलह हो जाता बट इंजीनियर ने बोला कि ना लेंथ तो फिक्स है वही है दस सेंटीमीटर तो दस सेंटीमीटर सो इंटीग्रेशन किसका होगा चेंज जो हो रहा है ठीक है चलिए अच्छा डीएल का क्या होता है एल एल के ऊपर एलओ एल एफ यू कैन सी दिस अगर मैं यहां से इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकाल लो मेरे बच्चों देखो ध्यान से फाइनल माइनस लेंथ अपॉन पहले से ही एक ओरिजिनल लेंथ है, सो यू कैन सी दिस फाइनल माइनस ओरिजिनल क्या होता बेटा? Length, Now, बच्चा लोग, मैंने बोला था चेंज इन लेंथ लेंथ ओरिजिनल स्ट्रेन हम लोग डायरेक्ट रट्टा मारते हैं कि चेंज इन चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन बट खेल ये है समझ में आया कि ये वाली वैल्यू क्या होगी फिक्स होती है इंजीनियर बोलता है ठीक है ना बट ट्रू में क्या होता है ये वाली वैल्यू चेंज होती है इसलिए वो इंटीग्रेशन के अंदर आता है ना मैंने आपको अगली अभी क्या दिखाया चेंज इन लेंथ लेंथ टू द ओरिजिनल क्या है बेटा इंजीनियरिंग स्ट्रेन यहां आओ यहां देखो चेंज इन लेंथ लेंथ ओरिजिनल क्या है इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो गाइस ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो व्हाट इज द मैथेमेटिकल रिलेशन सर मैथमेटिकल रिलेशन से ट्रू स्ट्रेन टू एल एन वन प्लस ई अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं इसी रिलेशन को लेकर थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं ठीक है ना कि ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा बड़ा है जैसे पिछली बार पूछा था ना कौन सा बड़ा है ट्रू तो स्ट्रेस बड़ा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस से अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा बड़ा है कौन सा बिग होता है कौन सा बिगर होता है जल्दी बताओ आप एक काम करो आप एक काम करो मैं आपको एक जुगाड़ देता हूं आप चेक करो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कुछ भी ले लो चलो वन ले लो ले लो क्या दिक्कत वन ले लो तो ये क्या हो जाएगा एल एन वन प्लस वन इज एल एन टू क्या होगा एल एन टू क्या होता है कैलकुलेटर है लगाओ मुझे बताओ क्या होता है क्या होता है तुम ऐसे करके चेक कर सकते हो क्या होता है बेटा डेसिमल में वैल्यू आया चेक करो जरा एल एन की वैल्यू क्या होती है? बताओ कमेंट भी गाइस क्या आया एलेन टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन ना देखो मैंने क्या कंसीडर किया मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो है है ना इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो है बेटा वो कंसीडर किया वन तो हमारा ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू क्या आया बेटा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन तो विच वन इज मोर सर इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज मोर यू कैन सी दिस तो यहां से हमें समझ में आया कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है ट्रू स्ट्रेंस नाउ वाई अब सर ये तो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया ये हमने कंसीडर किया नहीं? ये हमने तो अस कंसीडर कर लिया इंजीनियरिंग स्ट्रेन वन है तो ट्रू इतना आया यू कैन सी दिस सर थ्योरेटिकली करके दिखाइए आप फिर बताइए मोरल ऑफ द स्टोरी यू कैन सी दिस अगर मैं ऐसे थ्योरेटिकली आपको बताना चाहूं तो मेरे बच्चे थोड़ा तो ध्यान से चलो इस पेज पर अब ये देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है ना यस yes, और ट्रू uh, स्ट्रेन क्या होता है दूसरे भाषा में देखा जाए चेंज इंग्लैंड टू द इंस्टेंटेनियस लेंथ तो इंस्टेंटेनियस लेंथ यही ना अब ये हमें पता तो है नहीं कितना ना अब मैं आपसे पूछता हूं जब ध्यान से देखना ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर का था और किसी इंस्टेंट पे ये हो गया 12 सेंटीमीटर का किसी इंस्टेंट पे ये हो गया 12 सेंटीमीटर का भाई लंबाई दस सेंटीमीटर फोर्स लगाया खींचे बारह सेंटीमीटर का हो गया अब मेरे बच्चे थोड़ा दिमाग लगा कौन बड़ा इंस्टेंटेनियस लेंथ इंस्टेंटेनियस लेंथ बड़ा कि ओरिजिनल लेंथ बड़ा सर इंस्टेंटेनियस लेंथ बड़ा क्यों क्योंकि तो हमने लोड लगा के खींचा तो 10 सेंटीमीटर की बॉडी 12 सेंटीमीटर की हो गई तो ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू दिस ओरिजिनल लेंथ क्या होता है छोटा होता है एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस लेंथ इन कंपैरिजन टेंसाइल लोड बोलो हांयन अगर ये होता है ये बड़ा तो जाहिर सी बात ये क्या होगा छोटा हो जाएगा अपने यहां बोलो या हाँ ना और ये छोटा होता है एट मीन ये क्या होगा बड़ा इसीलिए हमने क्या बोला इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज ग्रेटर देन ट्रू स्ट्रेन मेरी बात समझ में आ गई बच्चों ठीक है तो सर ये तो आपने थ्योरेटिकली बता दिया मैथमेटिकली बता दिया ना अब आओ थोड़ा सा पीछे ठीक है ना The moral of the story. What is the moral of the story? But I am a considered engineering strain co one. What is the moral of the story? The moral of the story is true stress is this and true strain is this. You can see this. Moral of the story. True stress is this and engineering stress, true stress is this and true strain is this. और यहां मैं दो लाइन और बोलना चाहूंगा क्या यू कैन सी दिस यही सारा डेरिवेशन है यही जो मैंने अभी किया आपके लिए ठीक ना क्या कि ट्रू स्ट्रेस इज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस बट ट्रू स्ट्रेन इज लेस देन इंजीनियरिंग स्ट्रेन सुनते रहे ना मोरल ऑफ द स्टोरी सुन के जाना ये मोरल नहीं है ये तो मैंने कंक्लूजन लिखा है ये होता है ना अब मैं आपसे पूछता हूं इंजीनियर ने तो भैया ये लाकर एक नया रिवॉल्यूशन ले आया क्योंकि डिजाइन करने में आसानी होती थी ना मेरे बच्चे सुनते रहे ना ध्यान से अगर इंजीनियर ये लाकर ये एक नया रिवॉल्यूशन ले आया तो सर स्ट्रेन ज्यादा करना चाहता था क्या इंजीनियर बेटा एक चीज बताओ पहले कौन आया स्ट्रेन की स्ट्रेस पहले कौन आया स्ट्रेन आया कि स्ट्रेस सर पहले आया स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेन ज्यादा हो रहा था इसीलिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस को कम किया गया ताकि स्ट्रेस कम हो जाएगा तो वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं पहले कौन आया स्ट्रेन आया कि स्ट्रेस सर स्ट्रेन आया पहले सुनो मेरी बात अगर स्ट्रेन पहले आया तो जाहिर सी बात है स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेन ज्यादा है इंजीनियर को लगा कि यार इंजीनियरिंग स्ट्रेन ज्यादा है तो ये काम करते हैं कि अगर ये स्ट्रेन ज्यादा है तो स्ट्रेस कम लगाते हैं ताकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना हो जाए डिफॉर्मेशन ज्यादा ना हो जाए अंडर इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन तो होता है चलेगा सो गाइज यू कैन सी दिस चीज है ठीक है ना तो गाइज मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले आता है स्ट्रेन स्ट्रेन को देखा ज्यादा हो रहा है तो स्ट्रील स्ट्रेस क्या लगाया कम लगाया इसीलिए हम लोग इंजीनियरिंग पे ही काम करते हैं ट्रू पे काम नहीं करते हैं ठीक है ना अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में अब चल रहा होगा कि सर मतलब कोई बॉडी का इलांगन ज्यादा हो जाएगा क्या मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला इंजीनियर ने इंजीनियर ने डिजाइन में देखा कि अगर स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है तो उसको बचाने के लिए मुझे स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा और सेफ कंडीशन ठीक है इज दैट क्लियर ठीक है तो माई डियर फ्रेंड दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज द रिलेशन एक कल पढ़ाया एक आज पढ़ाया यू कैन सी दिस ठीक है ना और माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस आपको मैंने यहाँ एक रिलेशन दिखाया और यहाँ बताया इंजीनियरिंग स्ट्रेस ग्रेटर होता है इससे इस चीज को भी फील करो और समझने की कोशिश करो ये पूरा मैथमेटिकल अप्रोच भी दिखाया मैंने आपको कहीं भी क्योंकि ये प्रोडक्शन में भी आ जाता है मशीन डिजाइन में भी आ जाता है सोम का तो हिस्सा है ही तो किसी भी किताब में आ जाएगा किसी भी जगह आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप लोग हमेशा के लिए तैयार रहना है फ्रेंड so, कैसा लगा आप अपना चीज अपना हर एक आ, जो अल्फाज है जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द डे कैसा फील हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे जो आया है आपको कैसा लग रहा है हर एक चीज कमेंट करके जरूर बताइए अगर कोई डाउट हो तो आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डाल सकते हैं ठीक है ना सो थैंक यू सो मच गाइस और हाँ जाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा आज शाम को चार बजे बिल्कुल मेरे बच्चे आज शाम को चार बजे आ रहा है की का टॉपिक मशीन डिजाइन का एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए देखते मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में सो गाइज इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है डाउट सॉल्विंग सेशन वीकली टेस्ट ओके ये बहुत जरूरी है आपके लिए और गाइज लाइव क्लासेस तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आज स्पेशल क्लास में लाइव टेस्ट चल रहा है ठीक है और इसके साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी बैचेस मिलेगा आइकॉनिक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल कोच स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट सब मिलेगा डियर इफ यू कैन यूज द कोड आलोक लाइव यू विल गेट 10% ऑफ और लेने के बाद एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा ठीक है ना आलोक लाइव कोड लगाया है तो ठीक है उसके बाद मैं आपका पूरा खास ख्याल रखूंगा 10 तरीके का 10% का फायदा होगा तो 10 तरीके के फायदे भी होंगे 10% फीस कम हो जाएगा आलोक लाइव कोड लगाने से